Namaste and welcome to Simple Learning. In this presentation, we will see कि Microsoft Word document को जो एक particular language में लिखा होगा वो पूरी के पूरे document की language किस तरह से translate कर सकते हैं other language में. So, translating Microsoft Word document के बारे में समझते हैं कि किस तरह से easily एक language को दूसरे language में हम translate कर सकते हैं इन दी वर्ड डॉक्यूमेंट. सो लेट स्टार्ट. तो उसके लिए सबसे पहले विल गो टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट. सो दिस इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट. इफ यू सी दिस इज द होल वर्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब इस वर्ड डॉक्यूमेंट को हम ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है, सो फॉर दिस वी विल गो ओवर हियर. सी ये रिव्यू लिखा है, क्लिक करिए एंड देन विल गो ओवर हियर. सी ये लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट जो लिखा है, यहाँ पे जाएंगे तो इफ यू सी क्लिक ऑन दिस एरो यू हैव टू ऑप्शंस. ईदर वी कैन ट्रांसलेट अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो ट्रांसलेट करना है एक पर्टिकुलर सेक्शन को, या फिर फुल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है. सो लेट अस फर्स्ट सी हाउ टू ट्रांसलेट अ पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन जिसको ट्रांसलेट करना है उसको हमें फुल सेलेक्ट करना है. सो ओवर हियर आई एम सेलेक्टिंग दिस फर्स्ट पैराग्राफ. सी ओवर हियर ये फुल सेलेक्ट कर लिया है. लेट इस गो टू ट्रांसलेट. ट्रांसलेट पे क्लिक करिए. अब ट्रांसलेट सेलेक्शन पे क्लिक करिए. ओके, बिकॉज वी वॉन्ट नॉट द फुल डॉक्यूमेंट, एक पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट करके हमें ट्रांसलेट करना है. क्लिक ऑन इट. एज सून एज यू क्लिक, सी ओवर हियर राइट हैंड साइड में ये आ गया ट्रांसलेटर. तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में है. ठीक है, अब आपको किस में उसको ट्रांसलेट करना है. अब यहाँ पे अपने आप हिंदी आ गया है. अगर आपको दूसरे लैंग्वेज में चाहिए, क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया. देखिए ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो है, इस पर क्लिक करेंगे आप एंड सी अल्फाबेटिकली अरेंज है सारे लैंग्वेजेस. आपको जिस भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है इट कैन बी डन. से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे गुजराती लिखती सेलेक्ट करती हूँ, आई एम सेलेक्टिंग गुजराती एंड नाउ सी ये पूरा जो है ट्रांसलेट हो रहा है गुजराती लैंग्वेज में. सी ओ ये पूरा गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया. नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट दिस, दैट मींस कि आपको ये इंग्लिश में नहीं चाहिए, रादर गुजराती में चाहिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट. देखिए वो इंग्लिश से हट गया है और ये गुजराती में आ गया है. श्योरली फ्यू थोड़े बहुत हमें ध्यान देना है, रीड करना है, ग्रामर एरर्स रेक्टिफाई करने हैं या कोई स्पेलिंग मेजर एरर्स हैं तो हमें रेक्टिफाई करने होंगे. बट दिस इज हाउ क्विकली ट्रांसफर ट्रांसलेट हो गया फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती. सिमिलरली अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हो सकता है. फाइन, सो दिस इज हाउ ये ट्रांसलेटर वर्क करता है फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन. तो इसी डॉक्यूमेंट में ये हो जाएगा. यहाँ पे कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं ओपन हो रहा है. तो आपने ये काम फिनिश कर लिया. क्लोज दिस ट्रांसलेटर बाय क्लिकिंग ऑन दिस क्लोज. तो देखिए नीचे के सारे इंग्लिश में ही रहेंगे और जो आपने चूज किया है दैट पर्टिकुलर सेलेक्ट करके जो चूज किया है और इंसर्ट कर दिया वो लैंग्वेज चेंज होके यहाँ पे आ गई. सो दिस इज व्हाट वी कैन डू. ऑल्सो अब जो सेकेंड वाला देखा है उसके बारे में देखते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. सेम ही कंटेंट है. अब ये फुल डॉक्यूमेंट को मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू कन्वर्ट द लैंग्वेज, दैट मीन्स इंग्लिश से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है. तो अगेन लेट अस गो टू रिव्यू. रिव्यू में कहाँ जाना है, यस ट्रू ट्रांसलेट पे जाइए. ट्रांसलेट सिलेक्शन हमने पहले से ही कर लिया है इन द प्रीवियस, अभी जस्ट हमने देखा. अब ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, दिस मीन्स कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हिंदी में ट्रांसलेट करना है हमें, समझिए. तो विल चूज दिस, क्लिक ऑन इट. एज सून एज यू क्लिक, ट्रांसलेटर का ये पर्टिकुलर एरिया ओपन हो गया है एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गुजराती आ गया. क्यों? क्योंकि हमने पहले गुजराती सेलेक्ट किया था. लेट अस चेंज द लैंग्वेज, वी डो नॉट वॉन्ट इन गुजराती. ये देखिए गुजराती में फुल डॉक्यूमेंट आ गया. फुल होल डॉक्यूमेंट इज इन गुजराती एक्सेप्ट एक्सेप्ट आपके ये जो आपके व्हाट वी कॉल दिस वेबसाइट डिटेल्स वो नहीं
ट्रांसलेट होगी, अदरवाइज एवरीथिंग इज बिन ट्रांसलेटेड इन गुजराती, एंड ऑल्सो नंबर्स नहीं ट्रांसलेट होंगे, नंबर्स दैट इज न्यूमरिकल्स एज इट इज रहेंगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज बिन ट्रांसलेटेड इन टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज विच वी हैव चूजन, फाइन। और ये पूरा एक अलग डॉक्यूमेंट खुलता है, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है जिसको अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं आप, और आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो एज इट इज है, सेव हो गया, ये पुराना डॉक्यूमेंट एज इट इज है। अब हमें गुजराती में नहीं चाहिए था, वो तो बाय डिफॉल्ट आ गया, लेट अस गो एंड सेलेक्ट हिंदी लैंग्वेज, ओके, सो ए बी सी डी, हाँ ये हिंदी आया, सो लेट मी सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट कर लिया आपने, एंड नाउ लेट सी, ट्रांसलेट करिए आप, ट्रांसलेट पे क्लिक करिए, नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, होल कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक नया ही ओपन होगा, जैसे कि वो गुजराती का हुआ था, ये देखिए, वैसे ये न्यू डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। नाउ द सेम थिंग इज दैट वी नीड टू चेक, एक बार रीड कर लीजिए, कोई मिस्टेक्स हैं, ग्रामर एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में कुछ है तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, अदरवाइज दिस इज द वेरी क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसलेटिंग इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब इसको आपको सेव करना है तो आपको सेव करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यू फाइल है, तो आपको सेव करना है तो आपको जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ पे सेव कर लीजिए, यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे फाइल नेम दे दिया है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फाइल नेम दे रही हूँ हिंदी, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट में मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, सो दिस इज व्हाट इज द डॉक्यूमेंट बीइंग सेव्ड, ठीक है, और ये जो हमारा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सेव था वो एज इट इज है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, देखिए ये एज इट इज है, तो फुल डॉक्यूमेंट जब आप करेंगे ट्रांसलेट तो कम्प्लीटली एक नया डॉक्यूमेंट का विंडो ओपन होगा, वेर इज अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया ट्रांसलेट करते हैं तो उसी में वो ट्रांसलेट हो जाएगा, नए डॉक्यूमेंट में नहीं होगा, सो दिस इज व्हाट इज द गुड फीचर कि ट्रांसलेट के ये फीचर से वी कैन ट्रांसलेट आर कंटेंट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस एज पर आर नीड, सो लेट अस कम टू आवर प्रेजेंटेशन नाउ। सो इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन वी हैव सीन हाउ टू ट्रांसलेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लैंग्वेज इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज। फॉर दिस वी आर गोइंग टू गो टू वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट आप जाइए रिव्यू पे जाइए और ट्रांसलेट में जो भी टू चॉइसेस हैं, जैसी भी चॉइस के हिसाब से ट्रांसलेट करना है चूज दैट, चूज द लैंग्वेज विच वी वॉन्ट टू ट्रांसलेट एंड वी कैन ईजिली ट्रांसलेट। सो मेजर थिंग ये है कि ये जब आप कर रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट फंक्शन कर रहा होना चाहिए, सो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, थैंक यू एंड नमस्कार।